आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर एजुकेशन ग्रुप में। हम सेकंड ईयर का पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसी में आगे बढ़ते हैं अपन। कल पहला एग्जांपल अपन ने कर लिया था फर्स्ट बी का सेकंड एग्जांपल अपन कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल अपने पास है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई डी वाई बराबर जीरो। हम पढ़ रहे थे प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करना, और उसमें भी पहली विधि चरों का पृथक्करण। तो चरों का पृथक्करण यानी x के पार्ट अलग करना और y के पार्ट अलग करना और फिर समीकरण को हल करना। तो इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं भाई, देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। देखिए इसके अंदर से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, x की पावर 1 दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पर भी x की पावर 1, यानी x बाहर ले सकते हैं इसके अंदर से। x बाहर लेंगे तो क्या बचेगा भाई, y स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, यहाँ पर देखिए y दिख रहा है आपको दोनों जगह, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, y कॉमन ले सकते हैं। तो y बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बराबर जीरो। देखिए वाई स्क्वायर प्लस वन का भाग दे देंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स इसमें भाग देंगे वाई स्क्वायर प्लस वन का, तो वाई स्क्वायर प्लस वन से वाई स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स डी एक्स। यहां पर y x स्क्वायर प्लस वन यहां भाग देंगे तो भाई y स्क्वायर प्लस वन डी वाई बराबर जीरो। फिर x स्क्वायर प्लस वन का भाग दे दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, x बटा x स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसमें भाग देंगे तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा वाई बटे वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई बराबर जीरो, यहां तक आ जाएगा भाई। इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन। देखिए अलग अलग हो गए, एक्स का पार्ट अलग हो गया है और वाई का पार्ट अलग, डी एक्स के साथ केवल एक्स के पद है, डी वाई के साथ केवल वाई के पद है। यही विधि क्या अपनी, इस विधि में ये करते हुए चरों का पृथक्करण, तो एक्स का पार्ट अलग हो गया वाई का अलग हो गया। अब इसका क्या करते हैं भाई, समाकलन। समाकलन आप लोगों को करना आता है कक्षा 12 के अंदर, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊपर एक्स, नीचे क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को मान लेते हैं टी, ये अपना रफ का काम है भाई, ठीक है। तो यहां पर इसका अवकलन करोगे तो अवकलन करने पर यहां पर आ जाएगा 2x dx बराबर dt, ये आएगा भाई इसका 2x dx और 1 का 0। तो यहां पर आ गया x dx बराबर dt अपॉन 2। इसके अंदर इस इंटीग्रेशन कॉल कर रहे हैं भाई, तो इस कॉल करेंगे तो आप क्या जाएगा यहां पर x dx की जगह तो dt अपॉन 2 इस इंटीग्रेशन की जगह, ठीक है। और साथ में क्या है, नीचे x स्क्वायर प्लस वन, x स्क्वायर प्लस वन को क्या माना है अपन ने t, तो नीचे आ जाएगा आपका t, 1 अपॉन t का क्या होता है इंटीग्रेशन log t 1 बाई 2। ऐसे ही इसके अंदर करेंगे अपन y स्क्वायर प्लस वन बराबर, इसको मान लीजिए t मान लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो टू वाई डी वाई बराबर dp, यहां पर y डी वाई बराबर dp अपॉन 2। इसका आप लोग फिर अब इसका समाकलन करोगे तो इधर समाकलन किया भाई, यहां से समाकलन करना चाहिए, हाँ किया है,
फिर अब ये जो मान आया अपना ये मान रख दीजिए इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई यहां पर y dy की जगह dp अपॉन 2 और y स्क्वायर प्लस 1 की जगह p। अब इसका समाकलन करोगे तो 1 अपॉन p का क्या होता है भाई log p, तो इसका समाकलन हो जाएगा 1 by 2 log p। यहां पर t की वैल्यू रख लेना, यहां पर y की वैल्यू रख लेना, यहां पर रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2 log x स्क्वायर प्लस 1, इसका रखोगे तो भाई 1 बटा 2 log y स्क्वायर प्लस 1। ये काम आपको रख में करना है, ये आप लोग बारहवीं में कर चुके हैं। यहां पर डायरेक्ट क्या करना है आपको, समाकलन, ये काम रख का है आपका, ठीक है, समाकलन करने का। यहां पर डायरेक्ट क्या करोगे आप लोग, ये लिखोगे समाकलन करने पर इंटीग्रेशन x x स्क्वायर प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन y dy y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। समाकलन कर दिया तो क्या आ जाएगा इसका समाकलन भाई, अभी निकाला अपन ने 1 by 2 log x स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या आएगा भाई, इसका क्या अपन ने निकाला अभी 1 बटा 2 log x y स्क्वायर प्लस 1, 1 बटा 2 log y स्क्वायर प्लस 1 बराबर, यहां पर क्या आएगा कोई कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मैंने कल बताया था, हम कांस्टेंट बाकी जो अपने पद आए हैं समाकलन करने पर उनके अनुसार मानेंगे। यहां पर अपने पास आ रहा है यहां पर 1 बटा 2 log, 1 बटा 2 log, तो यहां पर जो स्वेच्छ अचर जो होता है वो क्या होता है, स्वेच्छ अचर c, तो c जो अपना स्वेच्छ अचर है तो अपनी इच्छा से उसको मानते हैं, तो वो इस तरीके से मानते हैं कि अपना जो उत्तर है वो सरल रूप में आ जाए। तो यहां पर क्या मानेंगे अपन, उनके हिसाब से 1 by 2 log c, क्या मानेंगे यहां पर स्वेच्छ अचर 1 by 2 log c, ताकि 1 by 2 से 1 by 2 कैंसिल हो जाए, log से log कैंसिल हो जाए। तो यहां तक इसके बाद 1 by 2 देखिए सभी के अंदर 1 by 2 है, कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 log y स्क्वायर प्लस 1 log c, log a प्लस log b, log a इंटू b, तो log a इंटू b के फॉर्मूले से यहां पर क्या हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y स्क्वायर प्लस 1। बराबर log c, यहां अपने पास आएगा log से log कैंसिल कर देंगे, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इनटू y स्क्वायर प्लस 1 बराबर c। ये क्या अपना अभिष्ट हल है जो कि अवकल समीकरण का, जो कि अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है, यानी व्यापक हल, एक तरीके से व्यापक हल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं व्यापक हल, क्योंकि इसके अंदर अवकल समीकरण कितने कोटि, कितने कोटि के हुई है, एक कोटि के अवकल समीकरण है, एक कोटि के अवकल समीकरण है, और यहां पर स्वेच्छ अचर भी कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, तो जितने स्वेच्छ अचर कितने आने चाहिए, जितने कोटि की अवकल समीकरण होती है उतने ही यदि स्वेच्छ अचर आते हैं किसी हल के अंदर, अवकल समीकरण किसी हल के अंदर उतने ही स्वेच्छ अचर हो जितने की उसकी कोटि है, तो वो हल होता है उसका व्यापक हल। तो ये इसका सॉल्यूशन है भाई, ठीक है, चरों का पृथक्करण, x का पार्ट अलग किया, y का पार्ट अलग किया, फिर समाकलन किया है, ये जो समाकलन आया है अपने पास ये अपने साइड में कर रखा है, ये रख का काम आपका इस साइड में कर लेना आपको, ठीक है। इसके बाद ये अपना सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पर जो स्वेच्छ अचर है ये अपन ने इन दोनों के हिसाब से माना है, ताकि जो सरल अपना जो उत्तर आए वो आप सरलतम रूप में आ जाए आपका, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया।
इसके बाद अगला एग्जाम्पल नंबर 3, आप लोग इसको उतार लेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 3 आपका, लिख लेते हैं एक बार, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 3। इसको हल करते हैं। इसमें भी वही काम करना है, x का पार्ट अलग करना है और y का पार्ट अलग करना है। तो देखिए, इसके अंदर y यहां पर है और ये रहा y। देखिए, इसको लिख सकते हैं y, a को अंदर गुणा करोगे ए वाई स्क्वायर, इसको उधर ले आइए, y का एक साथ करना आपको, तो y का पार्ट एक साथ ए वाई स्क्वायर, इधर ए वाई स्क्वायर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x को उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए डी वाई अपॉन डी एक्स है इधर, तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स। y कॉमन ले सकते हैं यहां से, y कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, a माइनस ए वाई बराबर, यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ सकता है तो यहां पर बचेगा भाई a प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। डी एक्स एक्स वाले पदों के साथ लेना है अपने को, डी वाई वाई वाले पदों के साथ, डी एक्स और डी वाई ऊपर रहने चाहिए, तो डी एक्स को उधर लिया, डी वाई तो ऊपर ही होगा, तो वाई वाले पद को उधर ट्रांसफर कर देंगे, उधर इसका क्या कर देंगे भाई, पक्षांतरण कर देंगे, तो इधर आया तो डी एक्स ऊपर, x का पार्ट क्या है यहाँ पर, x प्लस a प्लस x या x प्लस a, एक की बात है, तो नीचे क्या आ गया अपना x प्लस a, इधर dy नीचे आ जाएगा आपका y 1 माइनस a y। अब आपने क्या होगा कक्षा 12 के अंदर इसके टुकड़े किए होंगे आप लोगों ने, देखिए यहां पर इस तरीके से ये आते थे आपके पास x माइनस ए जो भी था गुणनखंड, x माइनस बी x माइनस सी, या जैसे यहां पर कोई भी पद आता था fx का, तो आप लोग यहां पर इस तरीके से निकालते थे ये गुणा, ठीक है, आप लोग ये काम करते थे वहां पर। यहां पर आपके पास क्या है y इंटू वन माइनस ए वाई, इस पार्ट के अंदर तो अकेला है तो यहां तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, इसका इसका समाकलन तो क्या हो जाएगा log x प्लस a हो जाएगा, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत आनी आ रही है लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐसे अलग अलग कर देंगे भाई a और b के मान निकाल लेंगे बस। यहां पर देखिए, यहां पर दो टुकड़े अपने पास कौन कौन से भाई, एक तो है वाई, y को लिख सकते हैं आप लोग y माइनस जीरो, दूसरा है 1 माइनस ए वाई, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों के ऊपर क्या है भाई, बनी है इस तरीके से निकालना है a अपॉन y माइनस जीरो प्लस b अपॉन 1 माइनस ए वाई, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर आपने जो कक्षा 12 के अंदर पढ़ाया है उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, यहां पर जो मैं तरीका बता रहा हूं बहुत आसान तरीका है, यहां पर चाहे कितने भी गुणनखंड हो नीचे आपको क्या करना है, जिसका गुणनखंड निकालना है उसको तो हटा देंगे इसमें से, यहां पर चाहे ऊपर भी हो तो उसको रखेंगे, सिर्फ किसको हटाएंगे, जिसका गुणनखंड निकाल रहे हैं a, a किसका गुणनखंड है भाई वाई माइनस जीरो का, तो वाई माइनस जीरो को इसमें से हटा देंगे, बच गया जो क्या बचा ये, इसके अंदर ये जो गुणनखंड है अपने पास इससे y की वैल्यू निकालेंगे, इसको किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख करके y की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आई भाई y बराबर जीरो है
तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है y बराबर जीरो, इस गुणनखंड को छोड़ करके बाकी जो बच गया मान उसके अंदर ये मान रख दीजिए। क्या आएगा यहाँ पर वन वन माइनस ए इंटू जीरो, क्या आएगा भाई वन अपॉन वन यानी कि वन। तो यहां पर क्या आ जाएगा डी एक्स एक्स प्लस ए बराबर, यहां पर अपने पास वन अपॉन वाई, ए का मान कितना आया भाई एक ही है। अब दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा गुणनखंड क्या अपने पास वन माइनस ए वाई, अब इसको रख लेंगे y माइनस जीरो जीरो वाले को, इसको बाहर निकाल देंगे। किसको निकाल लें अब की बार, जिसके सापेक्ष गुणांक ज्ञात कर रहे हैं, वन माइनस ए वाई का गुणांक ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको बाहर कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसके अंदर मान रखेंगे। किस क्या मान रखेंगे भाई, वन माइनस ए वाई के बराबर क्या रख दो जीरो रख दो, इससे वाई की वैल्यू निकालिए क्या आएगी, इससे वैल्यू आएगी आपकी वाई की वन अपॉन ए। ये जो वैल्यू आई वाई की वन अपॉन ए, ये वैल्यू आप इस पूरे मान के अंदर रख दीजिए, किसको छोड़कर वन माइनस ए वाई को छोड़कर, तो जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी बी की वैल्यू, कैपिटल बी की वैल्यू रखिए इसके अंदर, वन अपॉन वाई की जगह वन अपॉन ए माइनस जीरो क्या है वन ए आ जाएगा भाई, भाई वन अपॉन अपॉन ए ऊपर चला जाएगा क्या आ जाएगा मान ए, तो बी की वैल्यू क्या आई अपने पास ए, तो यहां पर लिख सकते हैं ए बटा वन माइनस ए वाई और बाहर क्या अपना डी वाई। क्लियर है यहां तक, इसके बाद अब क्या करना है समाकलन करना, बस समाकलन करने पर समाकलन करोगे तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स प्लस ए, इंटीग्रेशन वन अपॉन वाई डी वाई प्लस ए, तो अपना कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं उसको, तो डी वाई और वन माइनस ए वाई ठीक है यार। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन किया पढ़ने तो क्या आएगा लॉग एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए बराबर टी मान लेना, ए कांस्टेंट है तो डी एक्स ही आएगा, तो डी एक्स बराबर डी टी आएगा, वो तो आप कर लेना ना, कुछ है नहीं इसमें, लोग क्या जाएगा इसका x प्लस ए। इसके बाद 1 अपॉन y का क्या होगा लोग y प्लस a, इसका करेंगे तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसको देख लेंगे एक बार, 1 माइनस ए वाई बराबर क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो यहां पर जब इसका अवकलन करोगे तो a1 का तो 0 माइनस a dy बराबर dt, यहां पर लिख सकते हैं dy बराबर a dy बराबर a को यहीं लिख लीजिए आप लोग, a dy बराबर आ जाएगा अपने पास माइनस का dt, क्या आ जाएगा माइनस का dt, ये रबर काम आपका, इसमें रखेंगे मान तो क्या होगा a dy की जगह तो माइनस का dt, 1 माइनस ay की जगह t, समाकलन करोगे क्या आएगा log t माइनस में, और क्या आ जाएगा इधर माइनस log 1 माइनस ए वाई, तो इसका समाकलन क्या आएगा माइनस का log 1 माइनस ए वाई, कैसे आया 1 माइनस ए वाई को t मानोगे, इसका अवकलन करोगे माइनस ए डी वाई बराबर डी टी आ जाएगा, ए डी वाई बराबर आया अपने पास माइनस का डी टी, तो ए डी वाई की जगह रख देंगे माइनस डी टी, नीचे इसकी जगह टी, इसका समाकलन करोगे तो माइनस का लोग टी और टी की जगह वन माइनस ए वाई रख देंगे, माइनस का लोग ए माइनस वन माइनस लोग वन माइनस ए वाई आ जाएगा अपने पास, तो यहां पर आया इंटीग्रेशन क्या माइनस का लोग वन माइनस ए वाई।
और प्लस में log c, log c इधर माइनस का मान लो चाहे प्लस का, इधर देखो दो, चलो प्लस का ही मान लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास log के मान है log c, क्योंकि अपने पास सबके अंदर क्या log है, तो अपना जो शेष अचर है उसको भी किस रूप में मान लेंगे, log के रूप में, तो log c। अब यहां पर log x plus a, ये माइनस का है इधर आ जाएगा, तो प्लस log 1 माइनस ए वाई, इधर log y प्लस log c, तो log a इंटू बी के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, log c इंटू वाई, इधर ये भी x प्लस a इंटू 1 माइनस ए वाई log c y, तो अपने पास आएगा सी वाई बराबर, लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा, सी वाई बराबर एक्स प्लस ए वन माइनस ए वाई, जो कि अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। इसमें जब हमने क्या किया है, y का पार्ट अलग किया है और x का पार्ट अलग किया है, और उसके बाद अपने क्या किया है, समाकलन और आंसर आ गया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप लोग घर पर करना, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसके पास किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एग्जाम्पल नंबर 4 मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप लोग घर पर इसको करेंगे। मैं लिख देता हूँ dy upon dx, क्या करना है आपको, x का पार्ट अलग करना है, y का अलग करना है, dy upon dx plus e की पावर x minus y plus नहीं है बराबर e की पावर x minus y plus x square e की पावर minus y, ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 भी लिख देता हूं मैं, आप कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम कल करवा देंगे। e की पावर y प्लस a cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy बराबर 0, तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल करने की कोशिश करना है। ये आप लोग बारे में भी कर चुके हैं ऐसे काम, यदि नहीं होता है तो हम कल समझा देंगे। आज के लिए इतना ही,